स्टूडेंट्स आई एम शिवानी शर्मा यू ऑल टू मैग्नेट ड्रीम्स सो स्टूडेंट्स थ्योरम सीरीज में आज की जो सबसे पहली थ्योरम है दैट इज एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल क्या कहती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल ये कहती है कि किसी भी ट्राइंगल में जितने भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं उन इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो फिक्सड है और वो किसके बराबर होता है इट इज इक्वल टू 180 डिग्री सो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल क्या कहती है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री आपके पास यदि कोई ट्राइंगल है एबीसी, तो इसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम क्या होता है 180 डिग्री ओके सो किसी भी टाइप का ट्राइंगल बना रहे ये थ्योरम तो वैलिड है ये थ्योरम क्या कहती है कि ऑल द इंटीरियर एंगल्स उन सबका जो सम होगा वो कितना होगा 180 डिग्री होगा ठीक है अब मुझे इस थ्योरम को प्रूव करना है अब हम सब जानते हैं कि थ्योरम को प्रूव करने का ना एक तरीका होता है जैसे आप लिखते हो कि आपके पास क्या गिवन है आप लिखते हो कि आपको क्या प्रूव करना है अगर आपने इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन किया है तो वो कंस्ट्रक्शन की स्टेप्स भी लिखते हो और उसके बाद जाके अपना प्रूफ अपने एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट कर देते हो राइट प्लस डायग्राम अगर डायग्राम जरूरी है तो डेफिनेटली आप डायग्राम भी बनाते हो ओके okay? तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे गिविन आपके पास यहाँ पे क्या गिविन है आपके पास यहाँ पे गिविन है एक ट्राइंगल क्योंकि बिना ट्राइंगल के आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल कहीं से प्रूव करोगे राइट सो आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी ये तो गिव हो गया अब हमको इस थ्योरम में क्या प्रूव करना है हमको इस थ्योरम में वो स्टेटमेंट प्रूव करना है जो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ज्योमेट्री के मैक्सिमम क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल तो लग ही जाती है ओके okay? सो so, आपको बेसिकली प्रूव करना है कि एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू वन एटी डिग्री मैम इस डायग्राम में तो एंगल वन एंगल टू एंगल थ्री दिख ही नहीं रहा तो बच्चे बिल्कुल बना देना आपने ट्राइंगल ए बी सी बनाया यहाँ पे वन लिख दो यहाँ पे टू लिख दो और यहाँ पे थ्री लिख दो ठीक है मैम गिवन हो गया टू प्रूफ हो गया अब मैम इसका प्रूफ कैसे किया जाएगा मैं कैसे प्रूफ करूं जानते तो हम सब हैं कि किसी भी ट्राइंगल के जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होता है लेकिन ये प्रूफ कैसे करें तो ऐसे तो ये प्रूफ नहीं होने वाला तो क्या करें मैम हमें करना होगा यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन हम ऐसा कंस्ट्रक्शन करेंगे कि पॉइंट ए से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो बी सी से कैसी होगी पैरेलल होगी ओके ठीक है तो यहाँ पे आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है तो डेफिनेटली जो भी काम आप अपने क्वेश्चन में कर रहे हो वो सब कुछ आपको लिखना है तो कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया कंस्ट्रक्शन में बेटा आपने ड्रॉ किया ड्रॉ किया एक लाइन को L ड्रॉ अ लाइन एल ठीक है कहाँ से ड्रॉ किया ड्रॉ अ लाइन एल थ्रू पॉइंट A ये लाइन L कहाँ से निकल रही है थ्रू पॉइंट ए ठीक है पॉइंट ए से निकल रही है विच इज़ पैरेलल टू बी सी विच इज पैरेलल टू बी सी आपने पॉइंट ए से एक लाइन निकाली एल जो बी सी से कैसी है पैरेलल है ठीक है कंस्ट्रक्शन कर दिया अब इससे क्या मजा आ गया इससे हमको ये मजा आ गया कि हमें कुछ एंगल्स और नज़र आ रहे हैं ठीक है देखो यहाँ पे यहाँ पे एक एंगल हमको नजर आया फोर और यहाँ पे एक एंगल हमको नजर आया फाइव हमने उसको नाम दे दिया ठीक है ये ऐसा नाम दे दो ना तो इजी पड़ जाता है चीजों को लिखना तो यहाँ पे हमको एक एंगल दिख रहा था इस तरीके से मैंने कहा दिस इज एंगल फाइव ठीक है साथ में साथ में ये लाइन एल बी सी से पैरल है ओके लाइन एल बी सी से पैरल है और ए बी किसका रोल प्ले कर रहा है ध्यान से देखो ए बी किसका रोल प्ले कर रहा है ट्रांसवर्सल का l a z z z दिख रहा है, तो अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेटली मैम इसके प्रूफ में जो सबसे पहली चीज लिखने वाली है वो है एंगल फोर इक्वल to angle टू आप सोच के बताओ क्यों आप सोच के बताओ मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्रूफ में प्रूफ में मैं यहां लिख रही हूं कि एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल टू एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल टू वाई मैम लाइन एल बी सी से पैदल थी ए बी ट्रांसवर्सल का रोल प्ले कर रहा था आपको दिख गया जेड अरे मैम ऑल्टरनेट एंगल्स वेरी गुड तो ये एंगल फोर एंगल टू के बराबर क्यों है बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं जी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं ठीक है ठीके? अगर आपकी दो लाइन्स पैरल है ट्रांसवर्सल दिख गया आपको जेड जैसा फिगर दिख गया दैट मीन्स दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड दे आर इक्वल ठीक है ये इक्वल हो जाएगा इसी तरीके से इसी तरीके से अगर मैं इसे यहाँ से हटाऊँ तो बच्चे आप इधर भी जेड देख सकते हो आपको इधर भी Z दिख रहा है उल्टा है तो क्या हुआ ठीक है ये लाइन L BC से पैरेलल है दिस पूरी लाइन इज पैरेलल टू तो BC, ओके ये Z दिख रहा है तो यहाँ पे फाइव किसके बराबर हो जाएगा थ्री के बराबर हो जाएगा सो एंगल फाइव इज इक्वल टू एंगल थ्री आप क्या लिखेंगे कि एंगल फाइव इज इक्वल टू एंगल थ्री अगेन सेम रीजन सेम रीजन क्या है आपके पास कि यार ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल ठीक है सो ऑल्टरनेट आप पूरा लिख दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर लाइन्स पैरल है ट्रांसवर्सल दिख गया है आपको तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं इक्वल होते हैं ठीक है अब सुनो अब क्या करेंगे अच्छा क्या आप में से कोई मुझे बताएगा एंगल फोर प्लस एंगल वन प्लस एंगल फाइव कि, किसके बराबर होगा ऑल्सो अब हम मैथ्स वाले लिखते हैं यहाँ पे क्लियरली हमको इतना साफ साफ नजर आ रहा है कि एंगल फोर प्लस एंगल वन प्लस एंगल फाइव या फिर थोड़ा मैं सीक्वेंस चेंज कर दूं एंगल वन प्लस एंगल फोर प्लस एंगल फाइव इज़ इक्वल टू वन एट्टी डिग्री क्या आप में से कोई मुझे बताएगा क्यों ये सभी एंगल्स वन एट्टी डिग्री के बराबर क्यों है एंगल वन एंगल फोर एंगल फाइव इक्वल टू एक सौ अस्सी डिग्री क्यों अरे मैम स्ट्रेट एंगल बिल्कुल ठीक कह रहे हो तो ये किसके बराबर हो गया एक सौ अस्सी डिग्री के लिए एक स्ट्रेट एंगल दिख रहा है आपको ठीक है अब यहाँ पे आप इधर देख सकते हो बच्चा एंगल फोर किसके बराबर है एंगल टू के तो यहाँ पे एंगल फोर की जगह पे मैं एंगल टू लिख सकती हूँ ठीक है एंगल फाइव किसके बराबर है एंगल थ्री के तो यहाँ एंगल फाइव की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ एंगल थ्री अरे ये तो वही हो गया जो प्रूव करना है एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इक्वल टू एक सौ अस्सी डिग्री और ये तो हैंड्स प्रूव्ड हो गया ये मैथ्स वालों की सबसे फेवरेट लाइन है अगर थ्योरम लिख रहे हो तो ये भी जरूर लिख के आना सो दिस इज हैंड्स प्रूफ्ड हमको यही तो लेके आना था देखो एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इक्वल टू एक सौ अस्सी डिग्री तो आप ये लेकर आ गए ठीक है वेरी सिंपल सो आई होप कि ये थ्योरम आपको समझ में आ गई देखो ये थ्योरम्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है हमको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि वॉट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राएंगल आई होप कि इसका पूरा प्रूफ क्लियर है किस तरीके से हमने काम किया सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट सीरीज में मिलूंगी एक नई थ्योरम के साथ टिल देन याद रखिएगा द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राएंगल इज 180 डिग्री इसके साथ स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए मैग्नेट रेंस के साथ